हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो और अगर आप एक बिगिनर हो तो प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या हो सकता है और आपको कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो यही सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्योंकि काफी सारे बिगिनर्स बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अगर आप बिगिनर हो तो वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हो तो अभी के लिए आपको स्केचिंग या फिर लाइन आर्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कलरिंग को आप अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो बिकॉज कलरिंग टेक्स टाइम और इतनी मेहनत के बाद भी अगर आपकी ड्राइंग आपको अच्छी नहीं लगेगी तो आपका ड्रॉ करने का मन भी नहीं होगा। तो जब तक आप बिगिनर हो आपको कैरेक्टर के फेस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए ना कि पूरी बॉडी ड्रॉ करने पर। एक बार आप फेस ड्राइंग को मास्टर कर लो उसके बाद आप बॉडी के ऊपर जा सकते हो, बॉडी ड्रॉ कर सकते हो। और रेफरेंस के लिए आप पिंटरेस्ट का यूज कर सकते हो और जो भी स्केच आपको सबसे ईजी लगे आप वहाँ से ड्रॉ करना शुरू करो। और ये प्रैक्टिस हम अपनी ड्रॉइंग को इम्प्रूव करने के लिए और हमारी मसल मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए करने वाले हैं। तो आपकी ड्रॉइंग अच्छी लगे या बुरी आपको उसकी चिंता करने कोई भी जरूरत नहीं है। काफी लोग पूछते हैं कि ड्राइंग प्रैक्टिस के टाइम क्या मटेरियल यूज करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि सबसे सिंपल, सबसे आसान मिलने वाला, सबसे सस्ता मटेरियल जो आपको मिले वो आप यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप कोई भी सस्ती सी नोटबुक ले लो और ब्लू या ब्लैक या रेड जो भी बॉल पेन आपको मिले वो ले लो। इसके बाद आपको जो भी रेफरेंस पसंद आए वो आप ड्रॉ करने का ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, जब आप पेन यूज करते हो तो अपनी ड्रॉइंग में आप अपनी गलतियों को छुपाना सीखते हो। ये प्रैक्टिस रैंडमली सर्कल्स और लाइंस की एक्सरसाइज करने से काफी ज्यादा अच्छा है। और मैंने यहाँ पे कोई भी नॉर्मल नोटबुक और बॉल पेन यूज करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि जब आप कोई भी महंगा आर्ट मटेरियल यूज करते हो आप नहीं चाहते कि आपका मटेरियल यूं ही वेस्ट चला जाए और उसके बाद आप सोचते हो कि कोई ऐसी टिप मिल जाए जिससे मैं जो भी ड्रॉ करूं वो एकदम अच्छा लगे। लेकिन ऐसी कोई टिप या ट्रिक नहीं है जो लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्प करेगी एक्सेप्ट प्रैक्टिसिंग। तो एक सस्ती सी नोटबुक लो, जितने हो सके उतने पेजेस को खराब करो, बिना मिटाए हुए जो चाहे वो ड्रॉ करो, जितनी बार चाहे उतनी बार ड्रॉ करो। यहाँ पे अच्छा या खराब बनने से कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट ये सर्कल्स और लाइंस को ड्रॉ करने से काफी अच्छा है। मैं भी अभी तक सेम मेथड यूज करता हूँ जब भी मुझे प्रैक्टिस करनी होती है और ये सारी की सारी ड्राइंग्स मैंने 3 से 5 मिनट के अंदर ही ड्रॉ की हैं। इस तरह से प्रैक्टिस करना उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो कि अपना टाइम बचाना चाहते हैं या फिर वो काफी बिजी रहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। और जब भी आपको एक्स्ट्रा फ्री टाइम मिले तब आप कोई भी डिटेल ड्रॉइंग बनाकर ट्राई कर सकते हो और आप देखोगे कि आपने काफी इंप्रूवमेंट किया है। तो ये मेथड आप 1 वीक के लिए यूज कर सकते हो अगर आपके पास काफी टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 क्विक स्केच पर डे बना सकते हो, 5 से 10 मिनट देकर, इतना भी काफी होगा। तो अभी से एग्जैक्टली आफ्टर 10 डेज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप में जरा भी इंप्रूवमेंट आया है या नहीं। और इतना करने के बाद हम सीखेंगे कि एनी भी फेस या फिर एनी में बॉडी पार्ट्स को कैसे ड्रॉ करना है काफी इजीली। लेकिन उसके लिए आपको पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है जो मैंने आपको बताया। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।